गोरखपुर मंदिर के बाहर सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी मामले की जांच अभी भी चल रही है। इस जांच के दौरान अधिकारियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां भी हाथ लगी है। तो पहले आपको बताएंगे कि जांच में क्या सब नया हाथ लगा और कहां निशानेबाजी सीखता था अहमद मुर्तजा, किसका भाषण भी सुनता था वो अहमद मुर्तजा, ये भी बताएंगे क्योंकि एटीएस जांच में कई सारे खुलासे हुए हैं। इस मामले की जांच एटीएस भी कर रही है। जांच कर रहे अधिकारी के मुताबिक आरोपी की बैग से मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था, साथ ही उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नायक के कई वीडियो भी मिले हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मलेशिया में बैठकर आतंकी जाकिर नायक यूपी को टारगेट करना चाहता है? क्या जाकिर नायक मुर्तजा जैसे युवकों पर अपना प्रभाव जमा देश की शांति व्यवस्था में खलल पैदा करना चाहता है? नायक पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने और हिंसा फैलाने का भी आरोप है। हालांकि नायक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। जांच टीम को मुर्तजा के लैपटॉप से सीरिया और ISIS से संबंधित कई सारे वीडियोज मिले हैं। ये सभी लैपटॉप में डाउनलोड थे। रात भर पूछताछ की गई। पूछताछ में जांच टीम को मुर्तजा अब्बासी के गुरु का नाम भी पता चला है। जांच एजेंसी का दावा है कि मुर्तजा अब्बासी यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु मानता था। जाकिर नाइक के बारे में बात करें तो मुंबई का मुस्लिम बहुल इलाका डोंगरी, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी परवान चढ़ी। जाकिर नाइक का जन्म 1965 में इसी मोहल्ले के एक मिडिल क्लास मुस्लिम घराने में हुआ। यहीं उसका बचपन गुजरा, यहीं उसकी पढ़ाई भी हुई। जाकिर नाइक ने इस्लाम के प्रचार के लिए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जिस पर अब सरकार ने पाबंदी लगा दी है। जाकिर नाइक भले ही भारत से भाग गया हो, पर मलेशिया में बैठकर भी वह जहर उगल रहा है और भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं मुर्तजा के जन्म कुंडली खंगालने के लिए एटीएस की टीम उसके ससुराल जौनपुर भी पहुंच गई, जहां उसकी पत्नी से पूछताछ की गई। इससे पहले जांच टीम ने मुर्तजा अब्बासी के घर पर भी छानबीन की थी, जहां उन्हें एयर गन मिली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वह घर में ही छत पर और खाली जगह पर एयर गन से निशानेबाजी सीख रहा था। मुर्तजा के शादी साल 2019 में नगर के सब्जी मंडी निवासी मुजफ्फरुल हक की बेटी उम्मे सलमा उर्फ शादमा के साथ हुई थी। जांच टीम को मुजफ्फरुल हक ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 1 जून 2019 में मुर्तजा अब्बासी के साथ हुई थी, लेकिन उसकी सास उनकी बेटी को परेशान करती थी, इसलिए वह शादी के कुछ ही दिन बाद सितंबर 2019 को बेटी को वापस अपने घर बुला लिए। जाकिर नाइक का वीडियो देखने के सवाल पर सलमा ने कहा कि उनके सामने तो कभी भी ऐसा जिक्र नहीं किया, लेकिन मुर्तजा कभी कभी वीडियो देखा करते थे। मुर्तजा की पत्नी का कहना है कि उनके सास कभी कभी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अब्बासी पर 2 केस दर्ज है। पहला केस अब्बासी पर मंदिर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में 2 केस तैयार किए, जो पहला केस गोरखनाथ थाने के इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने क्राइम नंबर 60/2022 लूट हत्या का प्रयास 7 CLA की धारा में दर्ज करवाया। दूसरे केस मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC के हेड कांस्टेबल विनय कुमार मिश्रा ने दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से 1 नहीं 3 धारदार हथियार मिले थे। अहमद 2 बांका और 1 चाकू लेकर अंदर घुसा था। उसने 1 बांके से हमला किया था, दूसरा बांका और चाकू बैग में छुपाकर रखे थे। अब्बासी पर आतंकी कनेक्शन होने का भी शक है और ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी ने आतंकी कनेक्शन की थ्योरी को खारिज करते हुए कहा कि यह सब भाग्य है, नियति है, जो इसको बीमारी होनी थी। हम तो अब किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी जान बच गई, यही काफी है। हम कैसे मान लें कि वह आतंकी हो गया? आतंकी होता तो बंदूक लेकर जाता। वह किसी और के बहकावे में नहीं, अपने दिमाग के बहकावे में था, जो मानसिक रोगी है। उनके पिता का आरोप है कि उनका बेटा मुर्तजा अब्बासी मानसिक रोगी है। तो अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के शख्स ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर पिछले हफ्ते
हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था। मंदिर के पास मौजूदा लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश की। आरोप है कि मुर्तजा ने हमले के दौरान अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि इस मामले में आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने मामले में आतंकी एंगल भी जांचने शुरू कर दिए हैं। अभी तक यूपी के कई शहरों में छापेमारी किया जा चुका है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिस पुलिस वाले पर हमला किया गया था उससे खुद मिलने पहुंचे। मुर्तजा ने 2015 में आईआईटी मुंबई से ही केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद उसने 2 कंपनियों में नौकरी भी की। 2015 में इंजीनियरिंग पास करने के बाद उसने पहले रिलायंस इंडस्ट्री में काम किया, फिर एसआर पेट्रोकेमिकल में काम किया। मुर्तजा इस समय पुलिस हिरासत में। उसको 4 अप्रैल की रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां अपने अपने तरीके से पूछताछ कर रही है। यूपी एटीएस की टीम अहमद मुर्तजा अब्बासी के नेपाल कनेक्शन के साथ साथ गजवायतुल हिंद के कनेक्शन पर भी काम कर रही है और उसे भी जांच कर रही है। हालांकि जांच जारी है और आए दिन नए नए खुलासे होते हैं, तो आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जांच में आखिर साफ कौन सी बात सामने आती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।